unspoken. Don't ever forget your golden. कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ ठीक हो। इस तरह का रोमांटिक कपल व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो और एवी प्लेयर विजुअलाइजर कैसे क्रिएट करता है वो जानना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहो। वीडियो को मत स्किप करना, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कैसे क्रिएट करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है और चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, एवी प्लेयर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको देखने मिलेगा एवी प्लेयर टेम्पलेट, उसको डाउनलोड करना है। और उसका बाद में बहुत सारा लिंक मिलेगा आपको, जो जो मैं मटेरियल्स इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ उसका डाउनलोड लिंक आपको मिलेगा, सबको डाउनलोड कर लेना है। ने जो एवी प्लेयर टेम्पलेट को डाउनलोड किया है सिंपली उसको एवी प्लेयर में ओपन करना है। सिंपली जहाँ पे डाउनलोड किया है उस टेम्पलेट को उस पर टैप करोगे तो वो ओपन होगा एवी प्लेयर में, कुछ इस तरह का। ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा, इसका बैकग्राउंड में इमेज ऐड करने के लिए पेन वाले ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे फास्ट वाला इमेज पे जाओ। यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड इमेज बोल के, नीचे लिखा हुआ है सिंपली इमेज, कस्टम इमेज और पिग इमेज। आप इमेज को ऐड कर लो। इस इमेज का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इमेज ऐड हो जाने के बाद जो नीचे में मोशन लाइट है उसको ऐड करने के लिए फिर से पेन वाले ऑप्शन पे जाओ। यहाँ पे जो सेकेंड वाले इमेज है उस पर लिखा हुआ है मोशन लाइट बोल के, सिंपली जनरल पे जाके इसको विजिबल कर देना। इसको विजिबल कर दोगे तो वो ऐड हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे कलर पे जाके इसका कलर चेंज कर सकते हो, मैं यही कलर रखूँगा। तो आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो सिंपली आपको इस तरह का मोशन लाइट ऐड हो जाएगा। मोशन लाइट ऐड हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, मोशन लाइट ऐड हो जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे लाभ बोल के कलर चेंजिंग लाभ टेक्स्ट पीएनजी ऐड करने के लिए लेफ्ट साइड में सिंपली पेन वाले ऑप्शन पे जाना है। जो थर्ड वाला इमेज है सिंपली उस पर जाओ, इमेज कस्टम इमेज और पीक इमेज पे जाके उस इमेज को ऐड कर लो। इस इमेज का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, सिंपली यहाँ पर टैप करो। सिंपली यहाँ पे टैप करोगे तो वो ऐड हो जाएगा। वो ऐड हो जाने के बाद आपको पार्टिकल्स को चेंज करने के लिए आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे पार्टिकल्स, स्टार, हार्ट, म्यूजिक, बहुत सारे पार्टिकल्स मिल जाएगा। आप जो पार्टिकल्स रखना चाहते हो उसको ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे हार्ट वाला पार्टिकल्स ऐड करूँगा। सिंपली पार्टिकल्स पर जाओगे, यहाँ पर पार्टिकल्स, सिंपली यहाँ पे अपेरेंस पे जाके कस्टम इमेज और पीक इमेज और उस हार्ट वाला पार्टिकल्स को आपको ऐड कर लेना है। अब जो पार्टिकल्स ऐड करना चाहते हो उसको ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हार्ड वाला पार्टिकल्स ऐड हो जाने के बाद जो यहाँ पे जो स्मॉल पार्टिकल्स है आप देख पा रहे हो, स्मॉल पार्टिकल्स है उसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो नीचे जो पार्टिकल्स है, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो पार्टिकल्स उस पर नीचे लिखा हुआ है स्मॉल बोल के। तो सिंपली यहाँ पे अपेरेंस पे जाके इसका भी यहाँ पे कलर फॉर्म और कलर टू इस पर जाके आप कलर चेंज कर सकते हो। तो कलर चेंज करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे खुद का टेक्स्ट, खुद का नेम ऐड करने के लिए यहाँ पे जो बार का नीचे आप देख रहे हो मेरा नाम है, सिंपली वहाँ पे खुद का नाम ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, पेन वाले ऑप्शन पे टैप करो। टैप करोगे तो सिंपली यहाँ पे देखोगे नीचे एक टेक्स्ट है, उसको इस पे जाओ। यहाँ पे इस पे जाके आपको अपेरेंस पे जाना है, टेक्स्ट बोल के हैं, सिंपली यहाँ पे जाओगे तो अपना खुद का नाम यहाँ पे ऐड कर लोगे। मैं इसी नाम को रखना चाहता हूँ, आपको इसको क्लियर कर देना है और आपका नाम ऐड कर लेना है। करने के बाद डन कर देना है। डन करने से बाद आपको यहाँ पे टाइमर जो है, उस टाइमर जो काउंट डाउन होता है आपका म्यूजिक के साथ 1 2 3 ऐसे काउंट डाउन होता है, वो टाइमर का ऐड करने के लिए फिर से पेन वाले ऑप्शन पे जाओ। जाके आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो टेक्स पार्टिकल्स के नीचे में एक टेक्स लेयर है, उस पर लिखा हुआ है टाइमर बोल के। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो वो सब लिखा हुआ है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अपेरेंस पे जाओगे, जनरल पे जाओगे, आप जो विजिबल है टाइमर को विजिबल कर देना, वो जो टाइमर ऐड हो जाएगा। तो टाइमर ऐड हो जाने के बाद आप चाहते हो इसका कलर चेंज करने के लिए तो कलर पे जाओ, देखोगे ये कलर है, आप जो चाह मर्जी आप कलर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो कलर सिलेक्ट हो जाने के बाद आपका विजुलाइज़र रेडी हो जाएगा। इस विजुलाइज़र को आपको डाउनलोड कर लेना है। जो आपने जो विजुलाइज़र क्रिएट किया है उसको सेव करने के लिए सिंपली इस बॉक्स वाले बटन पे टैप करो। टैप करके सेव टू फाइल है, इस पर क्लिक कर दो, आपका जो विजुलाइज़र है वो सेव हो जाएगा। सिंपली टैप करोगे तो वो विजुलाइज़र सेव हो जाएगा। विजुलाइज़र सेव हो जाने के बाद आप जो 30 सेकंड का जो व्हाट्सएप वीडियो क्रिएट किया है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे डाउनलोड बटन पे टैप करो। टैप करके पीछे ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे रेजुलेशन को आपको सिलेक्ट कर लेना है, नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है, यहाँ स्टार्ट ऐड और इन ऐड लिखा है, इन ऐड में जाना है आपको, जहाँ पे यहाँ पे फास्ट को यहाँ पे क्लिक करना है, 0:0 कर देना है और यहाँ पे 30 सेकंड कर देना है। 30 सेकंड करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो। तो इतना ही था मेरा वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, ऐसे वीडियो हर रोज़ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी ऑन कर देना है। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।